हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज क्या हुआ कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था सुबह, और वीडियो अपलोड करते करते पता चला कि मेरे नेट का डाटा, मेरे मोबाइल का जो डाटा था वो चल ही नहीं रहा था, मतलब वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था। मेरे पास सिम जो है वो जियो की है, और जियो का जो टावर है वो भी हमारे घर के पास में ही है, वो भी मैंने आपको कई सारे व्लॉग में दिखाया भी होगा। सो मैं बहुत परेशान हो रहा था कि यार वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन खोजने थे कि यार मैं कैसे क्या करूं। वैसे हम क्या गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे टावर जो है वो बहुत अच्छे मिलते थे, क्योंकि जियो का टावर पास में ही है तो बहुत अच्छा चलता था। अपलोडिंग ना डाउनलोडिंग स्पीड बहुत अच्छी मिलती थी। तो फिर बाद में क्या हुआ, आज सुबह जब वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा यार क्या करें, कैसे, अगर इस तरह प्रॉब्लम रही तो मैं कैसे अपलोड करूँगा। तो होता क्या है कि अपने पास में जो वीडियो रहते हैं वो 4 GB, 5 GB या 6 GB तक के रहते हैं, और भी मतलब ज़्यादा डाटा चाहिए होता है अपन को। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करें। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे नेट पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया, तो मुझे पता चला कि एक एयर फाइबर नाम से भी कुछ होता है, मतलब एयर फाइबर क्या कहें, जिस तरह से वो फाइबर लगवाते हैं ना वाईफाई, तो उसी तरह से वो वाईफाई रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, एयर के थ्रू, यानी जहाँ पे टावर होता है ना वहाँ से आपके घर पे एयर रिसीवर लगता है, और वहाँ पे टावर पे लगता है एक, और वहीं से आपके सिग्नल आएंगे और आपके घर तक आएंगे। तो इस तरह से रहता है। मैंने VSNL में कॉल किया, उनको पता किया कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो वहाँ से मुझे ये पता चला कि एयर फाइबर होता है। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो टावर है BSNL का टावर, कौन सा टावर सबसे पास में है उसी से लगवाएंगे, यानी 3 किलोमीटर की रेंज में है या फिर 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जो भी आपको देखना है। तो हमारे घर से एक टावर जो है वो है लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर के आसपास में है, और एक टावर जो है वो है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे पहले हमने घर से देखा कि वो टावर दिखाई देता है कि नहीं, तो हुआ क्या कि यहाँ पेड़ों की वजह से घर से तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे दोनों टावर। तो थोड़े और दूर गए, दूर जाके पता किया कि एक टावर, 2-3-4 टावर दिख रहे हैं उनमें से। अब ये पता नहीं कौन सा टावर था जियो का और कौन सा मतलब VSNL का था। तो हमें VSNL का टावर ढूंढना था, तो इस वजह से हम वहीं पास में चले गए, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। तो वैसे क्या है, डिस्टेंस घूम के तो 4-5 किलोमीटर रहेगी, लेकिन हमें देखना क्या था कि वो बिल्कुल सीध में, मतलब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट में कितने किलोमीटर, मतलब स्ट्रेट में रहेगा। जैसे घूम घाम के जाओगे, इधर से जाओगे, वो एक अलग बात रहती है, लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट में कितनी रहेगी, 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो भी। तो अगर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में रहेगा तो एक 3 किलोमीटर का एक कुछ LNB टाइप का रहता है, पता नहीं क्या रहता है, उन्होंने बताया था, वो बाद में हम जब इंस्टॉलेशन करवाएंगे वो तब मैं आपको बताऊंगा। तो हम गए वहाँ जाके, पता किया कि जो टावर था वो बिल्कुल भी मतलब हमें नहीं मिला, और एक टावर मिला वो भी बहुत दूर था, जो कि पेड़ों के अंदर ही छुप जाएगा, क्योंकि प्लांट है एक हमारे यहाँ के पास में, तो प्लांट से में पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो अब वो पेड़ों में ढक जाएगा तो मिलेगा कैसे, मतलब हमें सिग्नल ही नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से हमने कॉल किया कि भैया आप ही आओ और आप देखो कि कौन से टावर से हम नज़दीक में रहेंगे, और वहाँ से सिग्नल को आप रिसीव करके देखो सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारी रही, हम गए दिन भर बस ऐसे ही लगा रहा, कुछ वीडियो भी उसमें हमने शूट किए थे, कुछ नहीं भी किए, तो ऐसा लग रहा क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा था, यार इसका कोई ऑप्शन तो मिले कम से कम, क्या क्या प्रॉब्लम। VSNL जो जियो की कंपनी थी उसमें कॉल किया तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है धीरे धीरे, मतलब तो सब बहुत सारे ग्राहकों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमें ही एक अकेले थोड़ी था जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से आजकल कुछ उसमें बग वगैरह कुछ चल रहा होगा या कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से हमारे वीडियो भी जो है टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, तो कभी कभी वीडियो सुबह ही अपलोडिंग पे लगा देते हैं, पता चलता है वो दोपहर तक अपलोड होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक एयर फाइबर लगवाते हैं, तो एयर फाइबर कैसे काम करेगा वो भी सब हम बताते चलेंगे आपको, और जब इसको इंस्टॉलेशन करवाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी तो हमने बस इतना ही था, इतना ही किया था, तो इस वजह से कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च की आपको बताया, तो इसके बाद जैसे भी कुछ करेंगे वो आपको बताते रहेंगे। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको एक नए अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।